रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन एल्विस यादव ठग लाइफ एंड एटीट्यूड वीडियोस। तो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैडम मनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। वही एल्विस है जिन्होंने आपके कपड़ों पर बहुत सारे कमेंट्स डाले थे, उस पर क्या भड़काने की कोशिश? एल्विस ने जब कपड़ों को लेके बात की थी तो उसने मेरे मुंह पे भी मतलब मस्ती में बोला था कि लोअर कहाँ है तेरा, लोअर नहीं पहनती। तो उसने खुद ही खुद को बोला था कि मैं देसी हूँ भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है वैसे होता है ये वो। तो उसको अभिषेक ने भी समझाया था, उसको मनीषा ने भी समझाया था कि सबके अपने अपने हैं। और मैंने भी उसको कहा था, समझाया था कि भाई थोड़ा कहता मैं तो हूँ ना गाँव का, मेरा तो सोच ही ऐसा है, मैं तो गवार हूँ। मतलब उसकी वो मजाक मस्ती सरकाज्म चलता रहता है, तो इसलिए मैंने उसको मजाक मस्ती में लिया, सीरियसली नहीं लिया। दो मिनट बाद आके मुझे बोल देता कि यार मैं मजाक करता यार, सॉरी यार, बुरा मत मानना, तेरे को जो पहनना है पहन यार, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। तो आई थिंक मैंने उसको हमेशा मजाक मस्ती में ही लिया है। एंड रहती मैं वहाँ पे हूँ, मम्मी का मैंने पूरा इंटरव्यू देखा ही नहीं, बस मुझे पता है मैंने कुछ तो बोला होगा जो उनको दिखा होगा। तो मतलब मैं रही हूँ ना साथ में, मैं एल्विस को जानती हूँ, तो फिर मुझे बेटर पता है। तो आपने ये हो गया, इसकी मम्मी ने इंटरव्यू लिया। तू मेरे अड़ जाना, तू मेरा अड़ गया, नीचे हाथ देगा मौत, अड़ गया, अड़ गया, ठीक है, तू खड़े हो, पार्टनर की बात कर रहे हैं ना, तो बाहर मिलने तो बता दें क्या पार्ट लेंगे करा। सारा कुत्ता ना पूछो, देखो क्या गलती से आई है, जिस वजह से आई है ना, जिस वजह से आई है उसको थैंक यू बोले, मुझे नहीं पता तू क्यों आई है यार। साले बात के अप्रोच लगा के पहुंची है, खुद आया हूँ यार। देखो पता ना एल्विस, अगर जिया का लॉकेट मेरे पास होता तो क्या होता, मैं नहीं करता नॉमिनेट, मैं तो तोड़ देता मेरे पे होता पर मैं नॉमिनेट नहीं करता, देख ये देख ले, मैं तो आग लगा देता तू अविनाश के में लगा दियो ना आग, माचिस ना मेरे पास। साले रिस्पेक्ट से कोई कुत्ता रिस्पेक्ट नहीं करता, शर्ट के पीछे क्या आगे रिस्पेक्ट, चार बार शर्ट के पीछे रिस्पेक्ट, ये सब रिस्पेक्ट नहीं। ओके ओके ओके, अबे रिया तू पानी के लिए पानी कोई मांगता तो ऐसे ये वाला काम मत कर, या तो दे मत, उसमें साबुन हो क्या है, तुम क्या कर रहे हो, यू नेवर। अबे हमारे में पानी पिलाना धर्म का काम होता, मजाक से हटके। एनजीओ ओके अरे वाह, प्यारे से छोटे से बच्चे भी है। लोग ईगो पे ले रहे हो ना सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हो, बिल्कुल वो मैं उसी से समझ गया, बिल्कुल नहीं, ये जो कर रहे हो ना ये भाई, देखो तुम पे सवाल पूछा जवाब दिया, देखो तुम पे सूट करता है सारी चीजें, मैं वो चीज करने नहीं आया, बोल दिया ना बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं वो सब चीजें करने नहीं आया, रिपीट कर, ये देखो बोल दिया ना बिल्कुल नहीं भाई, सेम चीज ना, ये तो बिग बॉस का घर हो गया, तुम एक स्टेप बाहर हो ना तब कर लेना। अच्छा नहीं नहीं मैं आ जाऊंगा, मैं तेरे को लिख के देता हूँ ना यहाँ पे बढ़िया से कि तू बाहर निकल के ना छुपेगा, ठीक है, और मैं यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के इंटेंशन से नहीं आया, मैं इनको समझा रहा हूँ और तेरे से बात भी नहीं कर रहा हूँ। कभी हुआ नहीं कि किसी ने मुझे पसंद ना किया, नहीं जैसा कि इन्होंने वीडियो में बोला कि मैं सबको पसंद आ जाती हूँ, तो वो चीज बिल्कुल गलत लगी मुझे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई। थैंक यू ये स्टेटमेंट चेंज करने के लिए, नहीं मुझे पहले भी पसंद नहीं आई थी। Oh, God.
चाहिए था तुझे कि तेरे लिए सारी चीजें कुर्बान, ट्रॉफी कुर्बान, सब चीज कुर्बान। और अगर मेरे अलावा मैं कभी सोचूंगा कि कोई विनर बने तो वो तू होगा 100%। और मम्मी तो पैदल आई है रे, तेरे छोरे के पास गाड़ी क्या मतलब तू पैदल आई है तो है? सुना कह रही हूँ तेरी आंटी तो अब मैं भेज दू लड़के ने, फिर मैं सोची मैं प्लॉट पे जाऊंगी ऐसा लगा अंधेरा अंधेरा सा वहां पता कोई है ना, फिर मैं उल्टी उल्टी चूहा उदास होके आ गया, पैदल पैदल आया पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी। अरे रुकना मैं तो चाहूँ पैदल चलना। अच्छा पैदल चलेगा फिर? क्या कह रहे कब से निकले हो मम्मा आप? एक किलोमीटर करा, तीन घंटे में तय करा इसने, तो क्या घिसट घिसट के चलाएगा? सामान चोर गलाइए कहीं तक। मैंने कुछ ना गई, कुछ तो गई है, कुछ ना गई, कुछ भी नहीं गई। उसने बोला मेरा फोन बज रहा भाई, मेरा फोन बज रहा, मेरा फोन बच्चा घर के बाहर चिल्लाते चिल्लाते चला गया और तू उठी भी ना यार। मैं सो रही थी यार, तू सोती रहे, सोती रहे। मैं तो अपनी दूसरी मम्मी और मम्मी ने टेक रखा अपने पेट पे। एल्विश यादव बिग बॉस में छाया हुआ है, चाहे आपको 25 साल का लड़का पसंद आए ना आए, पर एल्विश से हम अपनी जिंदगी में ये तीन चीजें सीखते हैं। लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए बॉडी बनानी इतनी जरूरी नहीं, हम यही सोचते हैं जिम जाओ बॉडी बनाओ तभी लड़कियां इंप्रेस होंगी। एल्विश की कोई खास बॉडी नहीं है पर लोगों के दिल में बसता है। एक बार एल्विश ने कहा था कि जितने 18 से 23 साल के बच्चे हैं ना, इनको लड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, करियर खराब हो जाता है। तो अगर आप भी कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो यार डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब मैं ये करूंगा, एल्विश ने कभी ये नहीं किया। आज वो 25 साल का है, बिग बॉस में है, पैसा भी है, सक्सेसफुल है, लोगों का प्यार भी है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि सही टाइम पर ये करेंगे, हम चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एल्विश ने हमेशा वो किया जो उसका दिल कहता था। तो आप भी अपनी जिंदगी में सही वक्त का इतना मत इंतजार करना कि जिंदगी ही बीत जाए। मेरे लिए तो एल्विश यादव बिग बॉस का विनर ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर आप भी करते हैं एल्विश से प्यार तो कमेंट बॉक्स में सिस्टम हैंग कर दो। हाँ हाँ सच में कमेंट बॉक्स में भर दो किसको देखना चाहते हो विनर, ठीक है। हाँ ये जो इन्होंने पॉइंट्स बताया है ना कि वो इतने लाइक 25 इयर्स के एंड इतने ज्यादा सक्सेसफुल एंड सब कुछ है एंड छाए हुए है, अगर आप पसंद करो ना करो टॉपिक तो उन्हीं का चल रहा है, ठीक है, हर जगह पे चल तो वो रहा है। तो इसके पीछे के रीजंस जो उन्होंने बताए थे, डिस्ट्रैक्शन वाला जो पॉइंट था वो मुझे भी कहीं ना कहीं सही लगा। बिग बॉस के घर के अंदर भी उनके उनको लाइक बहुत से लोग है ना एक चीज बना के आते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, दिमाग में एक चीज बना के आते हैं कि मैं ना एक काम करूंगी अंदर जाके ना मैं किसी को तो बॉयफ्रेंड बनाऊंगी या कपल वाली चीज करूंगी, फिर बाहर हमारे हैशटैग चलेंगे, फिर मैं नॉमिनेट नहीं होंगी। अगर आप पिछला सीजन ही देखो तो शालिन एंड टीना का देख लो, नहीं क्या बहुत ज्यादा फेक बॉन्ड था वो। तो ऐसे बहुत से लोग करते हैं, इन्होंने वैसे वाली चीज बिल्कुल भी नहीं की, उल्टा देखा जाए तो कर सकते हैं बट नहीं की। और इन्होंने अपने दिल की बात सुनी, सेम जैसे हम लोग देखते हैं बिग बॉस के घर के अंदर उनके जो क्विक आंसर्स और सारी चीजें होते हैं वो उनको ज्यादा मतलब सोच समझ के डिप्लोमेटिक बिहेव करना मैंने कहीं पे नहीं देखा, वो वाली भी सही बात थी। एंड पहली वाली बात कौन सी थी मैं भूल गई अभी, तीन पॉइंट्स बताए थे उन्होंने, अब मेरे को पहला वाला पॉइंट याद नहीं आ रहा। ओके एनीवेज एंड फिर मैं फुकरा इंसान की भी बात करूं, क्या ही फाइट्स होते, इसको बोलते हैं मसाला भी देना, एंटरटेन भी करना, हमको हंसाना भी, हमको प्यारे मोमेंट्स भी देना, ठीक है। तो ये ओवरऑल सारी चीजें बहुत रेयरली मिलते बिग बॉस 13 के सीजन में। ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट भी बहुत मस्त थे, मधुरिमा की बात करो, विशाल की बात करो, मारने बूरने की वो पैन वाली चीज हो वो आज तक लोगों के दिमाग में बहुत ताजा है, ऐसी लड़की आज तक बहुत ताजा है, फिर तू मेरा है और कोई बीच में आया ना तो काट के रख दूंगी, ये ऐसे कुछ डायलॉग्स है जो अभी तक लोगों के दिमाग में है, सिडनास जो है लोग भूल नहीं पा रहे अब तक। तो ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो बिल्कुल फेक नहीं होते, जो है रियल होते हैं। तो ये मुझे इन लोगों के ग्रुप में अभी दिख रहा है, फुकरा इंसान, मनीषा एंड एल्विश के, तो बहुत रियल और बहुत प्यारे लगे मुझे। आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, बाकी परत निहाले, बाय।